तो नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि आप आरटीओ ऑफिसर कैसे बने। आरटीओ ऑफिसर बनने के लिए आपको क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, आपको आपकी पढ़ाई से लेकर आरटीओ बनने तक का पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। तो आए दोस्तों, एक एक करके जानते हैं कि आरटीओ कैसे बने। आरटीओ बनने के लिए आपको शारीरिक योग्यता क्या होनी चाहिए, इसमें किस तरह के एग्ज़ाम लिए जाते हैं या इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है और इनके क्या क्या कार्य होते हैं, यही सब जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी आरटीओ ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। आप हमारी वीडियो में सभी जानकारी आपको आरटीओ बनने के लिए दी जाएगी। हम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी अपनी वीडियो में लेकर आए हैं कि आप एक आरटीओ ऑफिसर कैसे बन सकते हैं, इसमें आपको क्या क्या करना होगा, क्या योग्यता होनी चाहिए, आपकी क्या कार्य करने होते हैं, आदि जानकारी जानने के लिए आप हमारी वीडियो से जुड़े रहिए। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाया करेगी। दोस्तों, और वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो को स्किप करके देखने से आपको बहुत से पॉइंट समझ में नहीं आएंगे, जिससे आपकी जानकारी अधूरी रह सकती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो को आखिर तक देखते रहें और आपकी जानकारी पूरी हो सके, ताकि आपको किसी तरह से परेशानी ना हो एक आरटीओ ऑफिसर बनने के लिए। दोस्तों, अगर आप एक आरटीओ ऑफिसर बनना चाहते हैं तो जानकारी भी पूरी होनी चाहिए, जिससे कि आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो आवेदन करने में और आपको सफलता प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको लेकर चलती हूँ अपने वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में और जानते हैं कि आरटीओ ऑफिसर कैसे बने। तो आइए चलते हैं दोस्तों। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय आरटीओ एक सरकारी संगठन है जो वाहनों के पंजीकरण, ड्राइवर लाइसेंस जारी करने, मोटर बीमा और परिवहन वाहनों को फिटनेस का अनुदान प्रमाण पत्र देने आदि कार्यों के लिए जिम्मेदार है। यह भारत में उच्च प्रतिष्ठित सरकारी नौकरियों में से एक है। बहुत से छात्र आरटीओ ऑफिसर बनने का ख्वाब देखते हैं। अगर आप भी आरटीओ ऑफिसर कैसे बने के बारे में जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आरटीओ एक ग्रैंड बी प्रकार की अधिकारी होता है, जिनको अच्छे वेतन के साथ विभिन्न सुविधाओं प्राप्त होती हैं। वे उम्मीदवार जो आरटीओ अधिकार बनना चाहते हैं रखते हैं, उनका किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होना आवश्यक होता है। इतना ही नहीं, आपको आरटीओ ऑफिसर क्या होता है, आरटीओ ऑफिसर कैसे बनते हैं, इसके लिए जॉब कैसे पाएं, यह आरटीओ ऑफिसर कैसे बनते हैं, इससे जुड़ी सभी आवश्यक बातों के बारे में पता होना चाहिए। तो आइए दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि एक आरटीओ ऑफिसर बनने के लिए आपको क्या क्या करना होता है, इसके लिए आपको किन किन परीक्षाओं को देना होता है। यह सभी जानकारी लेकर मैं अपनी वीडियो में आई हूँ। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आरटीओ ऑफिसर के क्या क्या कार्य होते हैं, किस तरह से आरटीओ ऑफिसर को नियुक्त किया जाता है। दोस्तों, बहुत सी जानकारी जानने के लिए आपको आवश्यक होती है। अगर आप किसी चीज़ में आवेदन करना चाहते हैं तो आपको उसकी जानकारी भी होनी चाहिए, तभी आप आवेदन करके सफल हो सकते हैं। अगर आप बिना जानकारी के आवेदन करेंगे तो आपको कभी सफलता प्राप्त नहीं होगी, आप असफल हो जाएंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप पूरी जानकारी लेकर ही आप इसमें आवेदन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको अपनी वीडियो के नेक्स्ट पॉइंट की तरफ लेकर चलती हूँ और बताती हूँ कि आप भी एक आरटीओ ऑफिसर कैसे बन सकते हैं, इसे बनने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, किन क्षेत्र में पढ़ाई करनी होगी, आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए, कितनी पढ़ाई करनी होती है, कौन सा कोर्स लेना होता है, कौन से सब्जेक्ट से पढ़ाई करनी होगी, बहुत सी जानकारी मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से देने जा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, चलिए हमारी वीडियो के नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आइए दोस्तों, जानते हैं आरटीओ कैसे बने। तो आइए चलते हैं दोस्तों, आरटीओ ऑफिसर कैसे बने। आरटीओ अधिकारी
बनने के लिए इसके बारे में बताने से पहले हम आपको आरटीओ क्या होता है इसके बारे में बता रहे हैं। इनका पूरा नाम क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय होता है, जिसे अंग्रेजी में रेगुलर ट्रांसपोर्ट ऑफिसर भी कहा जाता है। यह भारतीय सरकार का एक संगठन है जो पूरे भारत में सभी वाहनों और वाहन चालकों को डाटाबेस को बनाने की जिम्मेदारी होती है। मोटर वाहन विभाग की स्थापना मोटर वाहन अधिकारी 1988 की धारा 213(1) के तहत की गई है, जिसके परिणाम स्वरूप यह देश में लागू एक केंद्रीय अधिनियम है। वह यह विभाग अधिनियम के अलग अलग प्रबंधकों को लागू करने के लिए भी जिम्मेदारी होते हैं। साथ ही आप वाहन चलाने के लिए जो लाइसेंस बनाते हैं वो भी आरटीओ के द्वारा ही जारी किए जाते हैं। आरटीओ ऑफिसर बनाने के लिए शैक्षिक योग्यता। आरटीओ ऑफिसर बनने के लिए उम्मीदवारों का किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होना आवश्यक है। साथ ही आरटीओ में अन्य कई अलग अलग तरह की पोस्ट भी होती हैं, जिसमें अलग अलग तरह की योग्यता रखी गई हैं, एवं आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट करने के बाद इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी आरटीओ बनना चाहते हैं तो हमने आपको यह बता दिया है कि आरटीओ ऑफिसर कैसे बने या ये आरटीओ ऑफिसर क्या होते हैं इनके बारे में हमने बता दिया है। हमने आपको यह भी बताया कि इसकी क्या योग्यता होती है। अगर आप भी इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो हमने आपको बताया कि आपकी शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए और आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ तक की जानकारी अपनी वीडियो में दे दी है। आगे की जानकारी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखते रहिए और जानते रहिए कि एक आरटीओ ऑफिसर बनने के लिए आपको और क्या क्या करना होता है, इसमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आरटीओ ऑफिसर बनने के लिए आपको और क्या क्या करना होगा। तो चलिए दोस्तों, आप हमारे साथ हमारी वीडियो के नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और जानते हैं आरटीओ ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। तो आइए चलते हैं दोस्तों, आरटीओ ऑफिसर के लिए उम्र सीमा। आरटीओ ऑफिसर बनने के लिए उम्मीदवारों की उम्र न्यूनतम 21 वर्ष व अधिकतम 30 वर्ष तक आयु होनी आवश्यक है। वह ओबीसी वर्ग के लोगों को 3 वर्ष व एसटी एससी वर्ग के लोगों को 5 वर्ष की छूट का प्रावधान है, एवं सभी राज्यों में उम्र सीमा अलग अलग हो सकती है। इसलिए इसकी अधिक जानकारी के लिए आप इससे आधिकारिक नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। आरटीओ ऑफिसर की चयन प्रक्रिया। आरटीओ ऑफिसर बनने के लिए चयन प्रक्रिया 3 अलग अलग चरणों में रखी गई है, जिसमें सफलता प्राप्त कराने के बाद आप इस पर नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट और साक्षात्कार। जैसे कि दोस्तों, आप आवेदन करते हैं तो उसके परीक्षा पैटर्न भी आपको जानना ज़रूरी है। इसकी परीक्षा 3 तरीके के चयन में ली जाती है। पहले पार में आपकी प्रारंभिक परीक्षा होती है, सेकेंड टाइम में आपकी मेन परीक्षा का एग्ज़ाम लिया जाता है। अगर आप प्रारंभिक परीक्षा में पास हो जाए तभी आपको मुख्य परीक्षा में लिया जाता है, और इसके लिए आपका फिजिकल टेस्ट भी होता है। फिर थर्ड में आपका होता है साक्षात्कार, यानी कि इंटरव्यू। आपको इंटरव्यू भी देना होता है, उसमें आपसे कई तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यह परीक्षा किस किस तरह से होती है यह जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। मैं आपको एक एक करके सभी पॉइंट बताने जा रही हूँ कि इसकी परीक्षा को किस किस तरीके से लिया जा रहा है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और जानते हैं परीक्षा कैसे होती है। तो आइए चलते हैं दोस्तों लिखित परीक्षा की तरफ। आवेदन करने के बाद उम्मीदवारों को सबसे पहले लिखित परीक्षा ली जाती है। उसमें सभी आवेदन करने वाले युवा भाग ले सकते हैं। ये परीक्षा 2 घंटे की होती है व ये 200 अंक की परीक्षा होती है। इसमें आपसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय
वर्तमान, घटनाक्रम, भारत का इतिहास, भूगोल, हिंदी, व्याकरण, आर्थिक और सामाजिक विकास और पर्यावरण और परिस्थितियों, सामान्य विज्ञान, अंग्रेजी भाषा आदि से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। फिजिकल टेस्ट, लिखित परीक्षा में सफल घोषित होने के बाद उम्मीदवारों को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। इसमें सफल होने के लिए आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ व फिट होना आवश्यक है। इसके लिए आपको अलग अलग तरह के टेस्ट लिए जाते हैं व इसमें आपके प्रदर्शन के आधार पर आपको अंक प्रदान किए जाते हैं। साक्षात्कार, लिखित परीक्षा व फिजिकल टेस्ट दोनों को सफलता प्राप्त करने के बाद आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है, जिसमें आपकी बुद्धि, क्षमता, मूल्य और गुणों के आधार पर आपको जांचा जाता है और आपसे कुछ सवाल किए जाते हैं, जिसमें आप किस तरह से उनके सवालों के जवाब देते हैं उस आधार पर आपको इनमें अंक दिए जाते हैं। आरटीओ ऑफिसर का मार्गिक वेशन, आरटीओ ऑफिसर अधिकारी का राज्य व वहाँ के नियमानुसार अलग अलग वेतन दिया जाता है व इस पद पर आपको मासिक 20,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये तक दिया जाता है। उसके साथ ही आपको महंगाई भत्ता, दोस्तों उसके साथ ही आपको महंगाई भत्ता, किराया भत्ता, उसके आवास भत्ता, यात्रा भत्ता आदि जैसी कई अलग अलग तरह की सुविधाएं और भत्ते भी आपको दिए जाते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।